नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन, निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी कि मोटापे के बारे में। जब हमारे शरीर में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब उस कंडीशन को मोटापा या ओबेसिटी कहा जाता है। इसके सबसे जो प्रमुख कारण हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है डाइट यानी कि खान पान। हमारा खान पान आज के समय में इतना ज़्यादा अनियंत्रित होता चला जा रहा है कि निश्चित रूप से हमारे शरीर में मोटापे का जो प्रमुख कारण है वो हमारी डाइट बन चुका है। इसके बाद अगला जो कारण आता है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ऐसे बहुत सारे लोग जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, जिनके शरीर की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, उन लोगों में भी मोटापा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक रीजंस भी होते हैं जिनके कारण मोटापा बढ़ता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि प्रैडर-विली सिंड्रोम है। इस तरह की बीमारियों में जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर बॉडी में कोई हो जाता है, मोटापा आम रूप से देखा जाता है। कुछ हार्मोनल डिसीजेज भी होती हैं, एंडोक्राइन डिसीजेज होती हैं जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें भी व्यक्ति का अनियंत्रित रूप से मोटापा बढ़ने लगता है। पीसीओडी में भी व्यक्ति का वजन अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है। इसके अलावा कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, डिप्रेशन भी उसका एक रीज़न है जिसके कारण हमारे शरीर में फैट का डिपॉजिशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, ओबेसिटी होने लगती है, वजन बढ़ने लगता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिनके कारण वजन अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है और व्यक्ति में मोटापे की समस्या डेवलप हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल डाइट चार्ट कि किस तरह से आप अपनी बॉडी में इस डाइट चार्ट को फॉलो करके बहुत आसानी से वजन को कम कर सकते हैं। जैसे ही हम सुबह सोकर उठते हैं, हमें सबसे पहले खाली पेट नींबू पानी पीना चाहिए। जिन लोगों को शुगर की शिकायत है यानी कि डायबिटीज़ है, वो पेशेंट्स उसमें शक्कर का उपयोग ना करें, और जिन लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर हाई होने की शिकायत है, वो लोग नींबू पानी में नमक का उपयोग ना करें। नींबू पानी हमारे शरीर के लिए एक बहुत अच्छा पदार्थ होता है। इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसमें फ्लेविनॉइड्स पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह सुबह सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से ना केवल हमारा वजन नियंत्रित होता है बल्कि उसके अलावा हमारे शरीर को स्फूर्ति मिलती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारी बढ़ जाती है। नींबू पानी के पीने के लगभग 2 घंटे बाद हमें नाश्ता करना चाहिए। आप टाइम को सेट कर लें। नाश्ता करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो सुबह 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक का होता है। हमें इस 1.5 घंटे में कुछ नाश्ता जरूर करना चाहिए। कुछ लोग अपनी डाइट को नियंत्रित करने के लिए, अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए नाश्ते को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही गलत अवधारणा है दोस्तों। हमें नाश्ता तय समय पर और उचित मात्रा में नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि जो लोग नाश्ता करते हैं वो अपने वजन को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित रख सकते हैं। नाश्ते में हमें उबली हुई सब्जियाँ जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, ग्रीन सलाद हम यूज़ कर सकते हैं। उपमा, रवे से बनी हुई कोई भी डिश हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे रवे की इडली वगैरह हम खा सकते हैं। इसके अलावा नाश्ते में हम जूस भी पी सकते हैं। 1 गिलास बिना मलाई वाला दूध भी हम उपयोग कर सकते हैं नाश्ते में, रवे के इडली के साथ, या हल्का कोई पोहा वगैरह ऐसा कोई डिश आप लोगों के यहाँ जो भी बनती हो हम उसका उपयोग करके। और नाश्ता ज़रूर हमें करना चाहिए। 1-2 ब्रेड भी खा लेने से हमारे शरीर में जो नाश्ते की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। मैं ज़्यादातर उबली हुई सब्जियों को प्रेफर करूँगा नाश्ते में, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे शरीर को ना केवल पूरी तरह फिट रखती हैं बल्कि वजन को भी नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। नाश्ते के 3 घंटे बाद हमें लगभग 11:30-12 बजे के आसपास ग्रीन टी या नारियल पानी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी भी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। नारियल पानी अपने आप में एक फुल डाइट है, इसमें कैलोरी कम होती है, फैट कम होती है। नारियल पानी हड्डियों को मजबूत बनाता है, चेहरे पर चमक लेकर आता है और हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। इसके बाद आता है लंच का टाइम। 1 से 2 बजे के बीच लंच ज़रूर कर लेना चाहिए। लंच में हम लोग 1 या 2 चपाती ले सकते हैं, उसके साथ उबली हुई सब्जियां, 1 कटोरी दाल ली जा सकती है। ग्रीन सलाद का हम उपयोग कर सकते हैं, उसमें हमें गाजर, टमाटर, मशरूम, खीरा, इन सब चीज़ों का उपयोग हम उस सलाद में कर सकते हैं। लंच के समय हमें दाल का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। मसूर, उड़द, मूंग, ये सब दाल जो होती हैं इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो
तो हमें अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए इन दालों का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। दालों में फैट और कैलोरी की मात्रा कम होती है, इसके लिए भी ये हमारे वजन को नियंत्रित करने में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाती हैं। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें दाल में बहुत ज़्यादा तड़के वाली दाल, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली दाल उपयोग नहीं करना चाहिए। दोपहर के खाने में हम ब्राउन राइस का भी उपयोग कर सकते हैं। ब्राउन राइस बहुत अच्छी एक डिश होती है जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ब्राउन राइस खाने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि इससे पेट भरा भरा सा महसूस होता है और भूख भी नहीं लगती है, जिससे वजन अपने आप नियंत्रित होने लगता है। इसके अलावा खीरा एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फाइबर्स भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो यदि हम खीरा खाते हैं तो उससे भी हमें वजन को नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है। इसके बाद यदि शाम को 5 से 6 के बीच आपको भूख लगती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कुछ खाना चाहिए, तो उसमें सबसे अच्छी जो खाने की चीज़ रहेगी वो होगी भेल। घर पे बनाया जा सकने वाला ये बहुत अच्छी एक डिश है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, या मुरमुरे से बनी हुई कोई भी ऐसी हल्की फुल्की डिश हम ले सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों आता है रात का खाना, यानी कि डिनर, किसी भी डाइट चार्ट का ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि रात में खाना खाने के बाद लोग अधिकतर सो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो रात में 8 बजे के बाद खाना खाते हैं और बहुत जल्दी सो जाते हैं, वो अपने वजन पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, उनका वजन 100% बढ़ ही जाता है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि हमें रात को 8 बजे के बाद खाना खाने से बचना चाहिए। अब हम रात को खाने में क्या ले सकते हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो वो सबसे अच्छा ये है कि हम 1-2 चपाती उसमें ले सकते हैं। वेज सूप कुछ हम ले सकते हैं, जैसे टोमेटो सूप या जो भी सूप आप लोग प्रेफर करते हैं वो आप ले सकते हैं, और 1 कप कोई भी दाल, जिस जो भी आप खाना चाहें, वो 1 कप दाल, लगभग उसमें 50 ग्राम दाल आती है, वो आपके शरीर के लिए ठीक रहेगी। खाना खाने के कुछ समय पहले, मतलब डिनर के कुछ समय पहले आप सूप ले लें, उससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहता है और आपको खाना पचाने में मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि खाना खाने और सोने के बीच में लगभग 3 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए, और खाना खाकर हमें तुरंत बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन होम्योपैथिक दवाइयों का उपयोग करके हम मोटापे को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन आती है वो है कैल्केरिया कार्ब। इसका जो पेशेंट होता है उसमें आपको 3 F याद रखना है, फेयर, फैटी, फ्लैबी। यानी कि पेशेंट जो होगा वो एकदम गोरे रंग का होगा, उसका जो स्किन का जो कलर होगा वो एकदम फेयर कलर होगा, वो फ्लैबी होगा यानी कि थुलथुला होगा, और फैटी यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा वजन होगा। तो इस तरह का यदि कोई पेशेंट आपको दिखाई देता है तो आप उसमें कैल्केरिया कार्ब दे सकते हैं। इसके जो अन्य सिम्टम होते हैं वो है सांस फूलना, खाना खाने के कुछ देर बाद उसको दोबारा भूख लगाती है, उसके मन में किसी न किसी चीज़ की कोई आशंका चलती रहती है। जब भी वो रात में सोने जाता है, बिस्तर पर लेटता है, और उसको मन में कोई डर लगने लगता है, कोई ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। इसके अलावा इन पेशेंट्स का पेट बहुत बाहर निकला हुआ रहता है, तो इन पेशेंट्स में हमें कैल्केरिया कार्ब 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर कुछ दिनों तक देनी चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों एंटिम क्रूड। इसे हमें 30 पोटेंसी में ही यूज़ करना है, इसकी भी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर हमें उपयोग करना चाहिए। एंटिम क्रूड का जो पेशेंट होता है उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो स्वभाव होता है, वो बहुत चिड़चिड़ा होता है, उसको भी गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ज़्यादातर यंग एज के जो बच्चे होते हैं उनमें इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो चिड़चिड़े होते हैं, वाइट कोटेड रहती है उनकी टंग, अचार जैसी चीज़ें खाना यानी कि स्पाइसी चीज़ें खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एंटिम क्रूड के पेशेंट के नाखून बहुत गंदे होते हैं और उसके मुंह में लगातार छाले बने रहते हैं, कुछ दिन ठीक रहते हैं फिर छाले हो जाते हैं। तो यदि आपको कोई ऐसा पेशेंट दिखता है तो आप उसे एंटिम क्रूड 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों वो है ग्रेफाइटिस। ओबेसिटी के वे केसेस यानी कि मोटापे के वे केसेस, जिसमें कि वजन किसी एंडोक्राइनल बीमारी के कारण या मेंस्ट्रुअल इरेग्युलरिटी के कारण बढ़ता है, उस कंडीशन में हमें ग्रेफाइटिस का यूज़ हम कर सकते हैं। इसका जो पेशेंट होता है उसमें किसी स्किन की बीमारी की कोई हिस्ट्री रही होती है या उसको स्किन की कोई बीमारी होती है, हमें इस कंडीशन में ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर यूज़ करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग जब हम उचित डाइट के साथ करते हैं तब वजन निश्चित रूप से 10 दिन में 3 से 4 किलो तक आसानी से कम हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन के साथ मैंने जो आपको अभी दवाइयां बताई हैं
उनमें से कोई जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हो उसको ज़रूर उपयोग करना है। सबसे पहले आपको फाइटोलक का बेरी और फ्यूकस वेसिकुलोसस का मदर टिंचर लेकर आना है। इन दोनों की 20-20 ml की मात्रा एक 50 ml की शीशी में आप इकट्ठा कर लें और उसको अच्छे से शेक कर लें। उसके बाद आपको कैलोट्रोपिस जाइगेंटिया का मदर टिंचर लेकर आना है। आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन में से 20-20 बूंद एक कप पानी में मिलाकर सुबह और शाम पीना है। उसके साथ ही रेगबैग कंपनी का एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन आती है जो कि है R59। आपको इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार यूज करना है। जब आप इनका उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपका वजन 10 दिन में 3 से 4 किलो तक बड़ी आसानी से कम हो जाएगा।